नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज जिसका नाम है नवाबों के किस्से। प्रस्तुत करता है द मायथोलॉजी रेडियो, धार्मिक कहानियों का मंच। दोस्तों, नवाबों के किस्से में आज हम बात करेंगे अवध के नवाब वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह जो 300 शादी करके कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड बना गए हैं। अवध के आखिरी नवाब, अवध के आखिरी राजा वाजिद अली शाह अपनी बादशाहत के मुकाबले रंग मिजाजी के लिए काफी मशहूर हुए। नृत्य और संगीत कला से लगाव रखने वाले वाजिद अली शाह को शायरी का भी बहुत शौक था। अवध के आखिरी बादशाह के जीवन का एक बड़ा हिस्सा हसीन महिलाओं और सेवादारों के साथ बीता। वाजिद अली शाह के निजी जीवन को लेकर कई तरह की बातें बताई जाती हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि अवध के आखिरी शासक वाजिद अली शाह ने अपने जीवन में 300 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ शादी की, और इतना ही नहीं, उन्होंने आखिर में कई पत्नियों को तलाक भी दे दिया। वाजिद अली शाह ने अपनी किताब में, जिसका नाम है परी खाना, उस किताब में जिक्र किया है कि जब वो महज 8 साल के थे तब रहीमन नाम की एक अधेड़ उम्र की सेविका ने उनके साथ जबरन संबंध बनाए थे, जिसके बाद दोनों के बीच ये रिश्ता करीब 2 साल तक चला। वाजिद अली शाह ने बाद में उस सेविका को हटा दिया और फिर एक नई सेविका आई जिसका नाम था अमीरन। वाजिद अली शाह ने बाद में अमीरन के साथ भी संबंध बनाए और इसके बाद वाजिद ने कई महिलाओं के साथ संबंध बनाए, और इस घटना का जिक्र रोजी लिवेलिन रोंसी ने अपनी किताब द लास्ट किंग इन इंडिया वाजिद अली शाह में भी किया है। वाजिद अली शाह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने व्यापार के सिलसिले में अवध आने वाली कई अफ्रीकी महिलाओं को भी अपनी सेविका बना लिया था। इन अफ्रीकी महिलाओं में से कई महिलाएं वाजिद को पसंद भी आईं, जिसके बाद राजा ने उनके साथ शादियां भी की। वाजिद अली शाह के बारे में यह भी बताया जाता है कि वो अपने जीवन के आखिरी वक्त में रोजाना शादी किया करते थे। वाजिद अली शाह ने एक परी खाना बनाया था जहां उनकी सभी पत्नियां रहा करती थीं, और इतना ही नहीं, परी खाना में ही नृत्य और संगीत का कार्यक्रम भी हुआ करता था। वाजिद अली शाह के लिए बताया जाता है कि वो अपनी मनपसंद महिलाओं के साथ शादी करते थे, जबकि कई महिलाओं को वो अपनी बेगम का खिताब भी दिया करते थे। बेगम का खिताब केवल उन महिलाओं को दिया जाता था जो राजा की अस्थाई बीवियां होती थी। वाजिद अली शाह की पहली पत्नी बेगम हजरत महल के साथ हुई थी, और कुछ उस दौर की गुफ्तगू बताती हैं जो लोगों में होती थी कि बेगम हजरत महल को राजा की दूसरी बीवी बताया गया। आपको बता दें कि वाजिद अली शाह की गैर मौजूदगी में बेगम हजरत महल ने ही अंग्रेजों से लोहा लिया और अवध को गंवाने से बचा लिया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।